हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ये फूल बनाना, किस तरह से हम इस फूल को बनाते हैं। और इस फूल को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से बिगनर भी बना सकते हैं। और इसको आप सोफे के कवर, कुशन कवर, शॉल, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाते हैं इस फूल को, हम किस तरह से बनाते हैं इस फूल को। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें सबसे पहले एक रिंग बनाना है। देखिए, पांच चेन ली है और पांच चेन से हमने अपना ये रिंग को अटैच, पांच चेन को अटैच करके ये रिंग बनाना स्टार्ट किया है। इस रिंग को हमें अच्छा फिल करना है, मतलब इसमें काफ़ी डबल क्रोशिए होने चाहिए, जितने भी आप इसमें डाल सकते हो। इसको बहुत अच्छे से हमें टाइट फिल करना है। मैंने ये बेबी वूल ली है, आप पतली जो भी ऊन लेना चाहते हैं ये उसी से बन जाएगा। मोटी ऊन इसमें नहीं चलेगी, इसमें पतली ऊन की ही लुक आती है। तो मैंने ये बेबी वूल ली है। देखिए इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसे फिल कर लिया है। जितनी भी इसमें आप डबल क्रोशिए डाल सकते हैं तो उससे इसकी फूल की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए इस तरीके से ये मेरा पूरा बन चुका है। अब देखिए इस तरह से हमें इसे यहाँ से अटैच करते हुए चेन बनानी है। आप चेन गिनकर भी बना सकते हैं और लंबाई नाप के भी बना सकते हैं। जैसे मुझे जो चेन है मोड़ने के बाद मुझे 1.5 इंच की चेन चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से अपने डब इसमें चेन बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने काउंटिंग में ये मैंने 18 चेन बनाई है और वैसे नाप में जो चेन है वो 1.5 इंच है। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशिए से इसको यहाँ पे चेन बनाने के बाद अटैच कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरह से फिर हम दूसरी चेन बनाएंगे। नाप कर भी बना सकते हैं और चेन को काउंट कर कर भी आप बना सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो आप उसी हिसाब से अपना ये तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये मैंने 2 चेन बना ली हैं और मुझे इसकी 18 चेन चाहिए। तो इस तरीके से हम 18 चेन तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 15 चेन कंप्लीट करनी है पूरी, और एक हमने आधी चेन बनाई है और इस तरह से ये 16 चेन हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ये आधी चेन को लास्ट वाली के साथ अटैच कर लेंगे, पहले वाली के साथ अटैच कर लेंगे जो हमने सबसे पहले चेन बनाई थी। और इस तरह हम इसमें 4-4 डबल क्रोशिया करते हुए, ये देखिए इस तरह से हम इसमें 4-4 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से हमने 4 डबल क्रोशिए किए हैं और उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिससे झोल ना आए तो हमें 2 चेन बनानी है और 4 डबल क्रोशिए करेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से 4-4 डबल क्रोशिए करते हुए 2 चेन बना लेंगे और इन सभी को हम ऐसे अटैच कर लेंगे।
देखिए चार चार डबल क्रोशिए और इसी तरीके से हम इसकी दो लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस फूल को पूरे को जोड़ लिया है। अब हमारी जो दूसरी लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है। देखिए किस तरह से हमने ये इसको यहाँ पे अटैच किया है। ये जो हमारी आधी लाइन थी यहाँ से जोड़ते हुए, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी पूरी लाइन थी। ये हमारा आधा जो हमें कहते हैं यहाँ पे हमने डबल क्रोशी कर लिया। अब देखिए दो दो चेन बनाते हुए हमें इसके बीच में करना है। देखिए इस तरह से अब हमें चार करने हैं। देखिए देखिए इस तरीके से अब हम चार चार करते हुए दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा जो फूल है वो पूरा हो चुका है। आप इसे सोफे के कवर, कुशन कवर, बेडशीट या थालपोश कुछ भी बना सकते हैं। बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और देखिए इसको जोड़ने का तरीका मैंने अपने चैनल में पहले बताया हुआ है और आप उसी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इसमें हमने इसीलिए 16 कली बनाई हैं कि इसमें तीन इधर और तीन इधर और तीन इधर जुड़ने के बाद एक एक जो है चेन के लिए बचती है। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसका पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे, अगर दोबारा से जोड़ने के लिए आपको इसका तरीका बताए